नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि भारत की धमकी काम आई। 8 यूरोपीय देशों ने भारत की जो कोविशील्ड थी उसको मान्यता दे दी। जी हाँ, संगठन में शक्ति होती है। बता दूं, कोविशील्ड को यूरोप के 8 देशों ने ग्रीन पास में शामिल कर लिया है। एक दिन पहले ही भारत ने चेतावनी दी थी कि हमारी कोविशील्ड को अगर आप अप्रूव नहीं करते हैं तो हम भी यूरोप की वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है लेके इंडिया में लोग आते हैं उसको नहीं मानेंगे, ज़बरदस्ती पकड़ के क्वारंटाइन कर देंगे 14 दिन के लिए। समझ रहे हो बात को? तो भाई देखो, अगर बराबर के हक में हम लड़ाई करेंगे ना सीना ठोक के, तो सामने वाले को झुकना पड़ेगा। जी हाँ, झुक गए। 28 देशों का ग्रुप है ये। यूरोप में 28 देश हैं जिनको यूरोपीय देश बोला जाता है, एक संघ बना हुआ है। वो हेगड़ी कर रहे थे कि सिर्फ हमारी वैक्सीन है, चार ग्रीन पास वैक्सीन थी उनको ही वो मान्यता दे रहे थे, इंडियन वैक्सीन को मान ही नहीं रहे थे। वो जो चार वैक्सीन थी ग्रीन पास की मंजूरी थी, वो चार वैक्सीन बता दूं, मिनरेटी थी एक दूसरी मार्डना, तीसरी वैक्स जेवरिया थी और चौथे नंबर पे जॉनसन एंड जॉनसन थी। ये चार को ही वो वैलिड मान रहे थे कि ये अगर वैक्सीनेट लेके आते हैं तो हम कोरोना नियमों में छूट देंगे, बाकी आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो भाई इंडिया ने साफ साफ बोल दिया, अगर आप हमारी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रहे हो तो हम आपकी वैक्सीन को मंजूरी को क्यों मानेंगे, हम भी आपके बंदों को पकड़ के क्वारंटाइन कर देंगे। और इंडिया ने ये अभी पॉलिसी अपना ली है, ये जो है ना 1 जुलाई से स्टार्ट भी हो गया है। अब इन 8 देशों में जो लोग जाने वाले हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, कोरोना के नियम में बाकायदा ढील मिल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है भाई, वैक्सीन के जो ग्रीन पास को लेके है ना, यूरोप के साथ में भारत की एक यूनियन है EU, उसके साथ एक बहस सी छिड़ी हुई थी कि आप हमारी को वैक्सीन को मान्यता दीजिए, वो बोल रहे थे हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी भारत के सख्त रवैये से बाकायदा धमकी से 8 लोग एग्री हो गए। 8 देशों ने कोविशील्ड को ग्रीन पास देते हुए अपने यहाँ पे अप्रूवल वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया। जी हाँ, यानी अप्रूवल वैक्सीन मतलब इसको हम मान्यता देते हैं, समझ गए। अब 8 देश कौन कौन से हैं, इसमें अगर इन देशों में आप जाते हैं तो कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वालों को कोरोना के नियम में छूट मिल जाएगी, आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। रिपोर्ट जो उसमें आई है उसके हिसाब से 8 देशों में एक तो जर्मनी है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड, ये जो 8 कंट्री हैं इन्होंने बुधवार को ये इजाज़त मिल गई है, बाकी 1 जुलाई से ये शुरू हो जाएगी। जी हाँ, भारत ने ये बात साफ बोल दी थी कि भाई अगर यूरोपीय देशों की जो मेडिकल एजेंसी है EMA, अगर वो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता नहीं देती है या अपने अप्रूवल ग्रीन पास में शामिल नहीं किया जाता है तो इन देशों के सर्टिफिकेट इंडिया आने पे वो दिखाएंगे तो उनको हम नहीं मानेंगे और उनके नागरिकों को हम पकड़ के इंडिया में क्वारंटाइन कर देंगे। तो उनको बात समझ में आ गई, ठीक है जी, और इसको देखते हुए मान्यता इन 8 देशों ने दे दी है। जी हाँ, और उम्मीद हम ये करेंगे भाई इसी तरह से और भी देशों के साथ इंडियन सरकार सख्त रवैया अपनाए तो कुछ समाधान हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि भाई उनकी वैक्सीन है ना, वो तो मनमर्जी है, उनकी वैक्सीन तो वैक्सीन है और हमारी वैक्सीन वैक्सीन नहीं है, वो कुआवत वो हो गए ना, तो आटा कुत्ता टोमी और साडा टोमी कुत्ता, वो एक कुआवत आपने एक डायलॉग पिछली बार सहमत हुआ था आपने सुना होगा, उनकी तो वैक्सीन वैक्सीन है जो 100% कारगर है, इंडिया की है वो वैक्सीन कारगर नहीं है, इसका कहने का मतलब ये हो गया ना, तभी तो उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। लेकिन वो है ना, डंडा ना पड़ता है ना पिछवाड़े में, तो सब कुछ आराम से हाँ कर लेते हैं फिर में। तो सरकार की एक और भी गाइडलाइन आई है कि भाई हम ये 1-to-1 पॉलिसी अपनाएंगे सब देशों के साथ, जो हमारी शील्ड को मान्यता देगा हम उसी को मान्यता देंगे एयरपोर्ट पे, वरना नहीं देंगे। तो अच्छी नियम है, अच्छी बात है, अच्छा ये सख्त रवैया होना भी चाहिए। आने वाले जुलाई इसी महीने में इनको रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी हाँ, बस ये अपडेट आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।